भाई वाह, क्या तरक्की की है विज्ञान ने, कंप्यूटर साइंस ने। पहले के जमाने में कोई सोच सकता था कि धंधे के सारे नाम पते लेन देन की जानकारियां एक छोटी सी फ्लॉपी डिस्क में दर्ज हो जाया करेंगी। अमेजिंग मैन, फैंटास्टिक। अरे हाँ गुमान, वो फिल्म कहाँ यार? ये लो। जानते हो ये फिल्म 20 लाख डॉलर में बिकी है। उस हरामजादे इंस्पेक्टर जय के बारे में क्या सोचा तुमने? अरे यार वो इंस्पेक्टर कहाँ रहा, वर्दी उतर गई साले की, बर्बाद हो गया वो कंबा। लेकिन मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई मत छोड़ना, कौन कहता है छोड़ने के लिए, लेकिन थोड़ा सब्र करो। उसने कल ही तो इस्तीफा दिया है, वहां उसका इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं कि यहां हमने उसे चींटी की तरह मस्त ला रहे हैं। फिलहाल तुम ये चीजें और ये बैग मिस्टर हार्पर के आदमी को एयरपोर्ट पर पहुंचा, वो 11:30 की फ्लाइट से जा रहा है। और गुमान दिमाग थोड़ा ठंडा रखा करो। उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, सौ। फिर पढ़ाई? हाँ तो फिर मैं पुलिस बनूंगा, तुम लोग चोर बन के छुप जाओ। जाओ मैं तुम लोगों को फिर गोली मार दूंगा। तू मैं आऊं? नहीं। ए मैं आऊं? चीटिंग करता है साला। ए, 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 मैं आऊं? आ जा। मेरे को तो ठीक से दिखता भी नहीं है। भाग गया, मेरे को ठीक से दिखता भी नहीं था मालूम। कैप्टन है कैप्टन, वो आदमी कौन था जो बैग छोड़ के भाग गया? कौन सा आदमी? अरे वही जो तेरे हाथ में पिस्तौल देख के डर के भाग गया। पिस्तौल देख के डर के भाग गया? तो मैं तो ह्यूमन हूँ ना, मैं तो सुपरमैन भी हूँ। अरे हसमत साले चल चल के बैग देखते। चल हाया। ए कैप्टन, ए कैप्टन, मुझे तो लोचा लगता है यार, अगर ये आदमी पुलिस में चला गया तो हम सबको 20 साल चक्की पिसनी पड़ेगी। हे कैप्टन, ए कैप्टन, मुझे तो जोती पट्टी आई है, मैं घर जाता हूँ। खाड़ी पर के सब पतली गली से निकल लो। हाला ए सनी, ए सनी, अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं? चल मैं तुझे बताता हूँ।
ए सनी, ए सनी, तू इसको घास में छुपाएगा? हाँ सुंदर, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं इस बैग के बारे में किसको नहीं बताऊंगा। अगर बताऊंगा तो मेरी माँ मर जाएगी। तू भी अपने भाई की कसम खा। चलो साला, मैं जय की कसम खाऊंगा तो जय मर जाएगा। मैं जय की कसम नहीं खाऊंगा। तो क्या हुआ, मैंने भी तो अपनी माँ की कसम खाई है। मैं जय की कसम खाता हूँ, मैं ये बैग के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अभी इसको छुपा दे। हाँ। सनी चल, ये तो एकदम दिखता नहीं अभी। चल। तुम्हारा मतलब है कि जय ने, जय ने तुमसे वो बैग छीन लिया? मैंने तुमसे सीधा एयरपोर्ट जाने को कहा था, तुम उस कंबख्त के घर गए क्यों? जानते हो अगर वो बैग पुलिस के हाथ लग गया तो मैं, तुम, हम सब फांसी के फंदे पे झूलते नजर आएंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अन्ना सर, ये चक्कर क्या है? वो जय का बच्चा भी पुलिस में है क्या? नहीं सर, पक्की बात है, वो कल ही इस्तीफा दे चुका है। सच कहता है? अपने बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ सर। बीवी बच्चों की कसम खाता है? उस हरामजादे जय के घर में भी तो कोई घर वाले, कोई बीवी बच्चे होंगे। कौन कौन है उसके घर में? जी कोई ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ एक माँ है और एक भाई है, जिसका वो अक्सर बड़े प्यार से जिक्र किया करता है, मगर वो पागल है। भाई है मगर पागल है, लेकिन माँ तो है, और माँ बड़ी अनमोल होती है खन्ना। माँ इस दुनिया में ना रहे तो बच्चे बड़े बेसहारा, बड़े मजबूर हो जाते हैं, है ना? उसकी माँ के दुनिया में ना होने से हमें हमारा बैग कैसे वापस मिल सकता है? मिलेगा गुमान, जरूर मिलेगा। फर्ज करो तुमने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, और अगले दिन तुम्हारी खिड़की के सारे शीशे टूटे हुए मिले, तो तुम में अगर जरा सी भी अकल होगी तो तुम जरूर समझ जाओगे कि तुम्हारी खिड़की के शीशे मैंने तोड़े हैं। इसी तरह जय ने तुम्हारा बैग लिया, और अगर उसकी मां का कत्ल हुआ तो वो जरूर समझ जाएगा कि उसकी मां को हमने मारा है, और हमारा अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि उसका वही पगला लेकिन प्यारा भाई होगा। वो घुटनों के बल चलकर आएगा हमारे पास, गुमान, घुटनों के बल चलकर आएगा वो। मैं डॉक्टर साहब को अभी भेजती हूँ। माँ, सुंदर ना, माँ सुंदर ना, खेलने गया था कहीं, मैंने शर्मिला को फोन कर दिया, उसे लेकर आती होगी बस। ये सब कैसे हो गया माँ? शायद किस्मत में यही लिखा था बेटा, सबको जाना तो है एक दिन। ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। जिम्मेदारी बढ़ गई ना मेरे बच्चे की, मेरे बाद सुंदर को तू ही तो संभालेगा। ऐसा क्यों बोल रही तू, ऐसा क्यों बोल रही? मैं क्या संभालूंगा? तू है ना, तू संभालेगी उसे भी और मुझे भी। अरे थोड़े दिनों की बात है बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। मेरा बहादुर बच्चा रोता है। जे, जे, जे। माँ बच्चे,
मुझे छोड़ के मत जा। रिक, रिक तृष्णा है सब मेरे साथ वो। हरि ओम तत्सत। कैमा बोल बेटा। हरि ओम तत्सत। नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। हरि ओम तत्सत। 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 हरि ओम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। जजमान बड़े बेटे से मां को मुखाग्नि दिलाइए। पंडित जी मगर सुंदर, शास्त्रों के अनुसार अगर बड़ा बेटा मां को मुखाग्नि दे तो आत्मा को शांति मिलती है। ले सुंदर, माँ को मुखाग्नि दे। नहीं जय, माँ को आग मत लगाना। आग बहुत खराब चीज होती है, थोड़ा सा भी लग जाए ना तो बहुत जलता है। मालूम मेरे को जब लगा था ना तो माँ बहुत रोई थी। तो माँ को आग मत लगाना जय, माँ को कितना दुखेगा मालूम। मरने के बाद इंसान को दुख सुख कुछ भी नहीं होता सुंदर। मां तो मर चुकी है ना। किसने मारा मेरी मां को जय? बस समझ ले कि भगवान की यही मर्जी थी। ये ले मुखाग्नि दे मां को। नहीं, मैं भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा जय। उसने मेरी माँ को मारा ना। मैं भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा जय। उसने मेरी माँ को मारा ना। पंडित जी आप ही कुछ कीजिए, मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं आग नहीं दूंगा। मेरी माँ को मत जा। मेरी माँ को मत जा। जा मुझे मेरी माँ को। मेरी माँ को मत जा। मेरी माँ को मत जा। मेरी माँ को बहुत दुख है। मेरी माँ को मत जला।